जिस प्रकार का व्यवहार इन्होंने किया है, जिस प्रकार से मेरी पत्नी के मीम्स बनाना। एक मिनट आपका चाहिए, बस ये बता दीजिए कि धर्म बचाने की इस लड़ाई में आपका बेटा बेटी भी हमारे साथ चलेगा ना? ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम लोग धर्म बचाएंगे और जो है डिप्टी सीएम साहब की पत्नी जो है वो इंस्टाग्राम पे रील बनाएंगी। मेरे पत्नी के खिलाफ इनकी ट्रोल आर्मी जिस प्रकार के आरोप करती है, कोई सभ्य व्यक्ति देखे तो शर्मिंदगी महसूस करे। लेकिन मैंने मेरी पत्नी को भी बोला, हम राजनीति में हैं, हमारे लिए पेशेंस इज अ वर्च्यू, संयम रखना होगा। आप संयम के साथ रहिए, झूठ की उम्र नहीं होती है और सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूं, महिलाओं के बारे में बात करते हैं तो जिस प्रकार का व्यवहार इन्होंने किया है, जिस प्रकार से मेरी पत्नी के मीम्स बनाना, उसके बारे में गंदी गंदी बातें लिखना, ये सारी चीजें शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अरे लड़ना है तो सामने से लड़ो, ये कौन सा शिखंडी का युद्ध तुम लड़ते हो? लेकिन मैं इस मामले में बहुत संयमी हूं, मुझे लड़ाई समझती है, मैं इनको परास्त करता हूं। अभी कुछ दिन पहले मैं भाषण सुन रहा था डिप्टी सीएम साहब का। डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि यह धर्म युद्ध है। ठीक बात है, लोकतंत्र को बचाना भी इस देश का नागरिक होने के चलते हमारा धर्म है। जिस लोकतंत्र के चलते, जिस संविधान के चलते आज मैं यहां खड़ा होकर के भाषण दे रहा हूं, उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। अगर यह धर्म युद्ध है और धर्म को बचाने का सवाल है, जो भी नेता आपके सामने धर्म बचाने का भाषण देता है, उससे बस एक बात पूछना है, एक्सक्यूज मी सर, आप धर्म बचाना चाहते हैं, एक मिनट आपका चाहिए, बस ये बता दीजिए कि धर्म बचाने की इस लड़ाई में आपका बेटा बेटी भी हमारे साथ चलेगा ना? समझे बात को? कि ऐसा तो नहीं होगा कि धर्म बचाने की जिम्मेवारी हमारी और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ने की जिम्मेवारी आपके बाल बच्चों की। अगर धर्म बचाना है तो सब मिलकर के बचाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम लोग धर्म बचाएंगे और जो है डिप्टी सीएम साहब की पत्नी जो है वो इंस्टाग्राम पे रील बनाएंगी।